हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेक्सटाइल डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप पूरी डिज़ाइन सिखाऊंगा, जिससे आप कोई भी डिज़ाइन परफेक्टली बना सकते हो और उसे सेट भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल लेंगे, F2 और F3 सेट करेंगे। F9 से F2 और F3 का जो सेट है मेरे पास, वो मैं उसको लोड कर दूंगा। अभी मैं F2 से लाइन F2 दबाऊंगा तो उससे लाइन आ जाएगी, और F3 दबाऊंगा जब भी तो उससे जो है वो पैच फिल होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं F2 दबा रहा हूँ, इसके लिए लाइन आ रही है। अभी मैंने F3 दबाया तो उससे पैच आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी जो सेट है वो। अभी इस फाइल में हमें जो फिगर्स दिख रहे हैं, जो भी जितने भी फिगर है उसे हम अलग कर लेंगे, कंट्रोल से कॉपी करके नई फाइल में हमें इसे पेस्ट कर देना है। अभी ये फिगर अलग किया, अभी मैंने ये फिगर कर रहा हूँ, इसे भी मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। वैसे ही मैं सारे फिगर कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, ये मेरे फिगर्स हो गए सारे। अभी मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगा, तो आपने अगर बनाने का वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हम कैसे पार्ट पेन से इसे बना सकते हैं, पेन टूल का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैं इसे बनाना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं इसका पूरा एक पेज बना दूंगा, और उसके बाद उसके अंदर के जो कट है उसे भी बनाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसे हम किस तरह से इस फिगर को कंप्लीट चैनल में बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो चैनल में बनानी पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैं अभी बना लूँगा, ये मैंने बना लिया। अभी मैं इसे कंट्रोल एल से सिलेक्ट करूँगा, अभी मैं इसे सिलेक्शन लूँगा एंटर से, अभी कंट्रोल एल से सिलेक्ट करके कंट्रोल एल के मैं इसे थोड़ा ग्रेडेशन दे दूँगा, मतलब पेज दे दूँगा, ग्रे वाला पेज। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसे अपने हिसाब से लाइट डार्क कर सकता हूँ। वैसे ही मैं इसे अंदर के पेज बना दूँगा, अभी इसके अंदर के पेज बना रहा हूँ मैं अभी। ओके फ्रेंड्स, आपने इस तरह से इसके सारे पेज जो है वो पूरे फिगर के कंप्लीट कर लेने हैं। इसे अपने हिसाब से लाइट डार्क कर लेना है कंट्रोल एल से। इसके अंदर भी दिख रहा है एक कट, तो उसे भी हम लाइट डार्क कर लेंगे, जिससे हमें सिलेक्शन करने में आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं इसका जो पिंक कलर है उसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो चैनल चाहिए उस कलर की, तो मैंने चैनल बना ली है, अभी मैं उसे कलर दे दूंगा अपने हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं उसे कलर दे रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से जो आपको दिखाई दे उस तरह से रखना है, और मैं इसे बनाऊंगा अभी। अभी मैंने F3 दबाया जिससे ये फिल हो गया। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही मैं अभी ये ऑरेंज कलर दिख रहा है, मैं उसे बनाऊंगा, उसकी मैंने चैनल ले ली, अभी उसे बनाना भी स्टार्ट कर दिया। आप इस तरह से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह से मैं उसका जो हमें दूसरा कलर दिख रहा है उसे भी बनाएंगे। इसे हम कंप्लीट कर लेंगे पहले, जो हमारा ऑरेंज कलर है इसे मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी हम न्यू चैनल लेंगे वॉयलेट कलर। फ्रेंड्स, देखते देखते सब्सक्राइब बटन पे क्लिक भी कर दो और सपोर्ट करो क्रिसा डिजिटल को। अब हमारे कलर हमने अपने हिसाब से लेने, अब मैं इसे बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसे बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप डिज़ाइन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर जैसा दिख रहा है वैसा ही हमें बनाना है, अपने हिसाब से थोड़ा उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आपने भी उसी तरह से बनाना है, ज़्यादा डिटेल में ज़रूर नहीं है बनाने की। इस तरह से आपने दूसरा भी फिगर बनाना है। अभी हमारा ये कट है जो कम्प्लीट हो गया है कलर उसके, अभी इस कलर में हम बनाएंगे। इधर सबसे पहले मैं डार्क पिंक को बना दूंगा। ओके फ्रेंड्स, इसको बना दूंगा अभी मैं। अब उसके बाद ऑरेंज की चैनल है हमारे पास, उसमें ऑरेंज बना दूंगा, ऑरेंज बना दूंगा अभी मैं इस तरह से। आपने ध्यान देना है, परफेक्टली बनाना है। ओके फ्रेंड्स, कोई एक
रेसा अगर कम भी हो जाता है मतलब तो चलेगा, कोई बात नहीं है। अभी मैंने इसका ऑरेंज बना लिया। अभी जो हमारा कलर बाकी है वो वॉयलेट वाला कलर है और यहाँ पे पिंक भी है, उसे मैंने बना लिया। यहाँ पे ऑरेंज में से डिलीट। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह से मैंने ये पूरा फिगर कंप्लीट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं इसके कलर जो है वो सेम कर दूंगा। सेम मैंने कर लिए इसके कलर, हमारा फिगर वो कंप्लीट हो गया। अभी हम इस फिगर को बनाएंगे। वैसे ही आपने जो इधर ब्लू के कलर है तो उसके ब्लू के चैनल लेके आपको उसे भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पेज बनाना पड़ता है, तो अभी मैं पेज बना रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट क्रिसा डिजिटल। अभी मैंने पेज बना लिया इसका, उसके आजू बाजू का। अभी मैं न्यू चैनल लेके लाइट ब्लू की चैनल में इसे ये बनाऊंगा। ये हमारा मीडियम ब्लू है तो उसके हिसाब से मीडियम की चैनल में इसे मैं फिल करूँगा। मैंने इसे मीडियम ब्लू कर दिया। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपने भी अलग अलग कलर की अलग अलग चैनल लेनी है, उसमें बनाना है। अभी हमारा डार्क ब्लू है तो उसे मैंने डार्क ब्लू का चैनल लिया और उसमें पैच कर दिया। इस तरह से मैंने ये फिगर पूरा बना दिया है। ओके फ्रेंड्स, अभी उसी तरह से हम ये जो पत्ती दिख रही है हमें उसे भी बनाएंगे। इसके मैंने कलर सिलेक्ट करके सेम कलर कर दिया है। अभी पत्ती को बनाएंगे। पत्ती के भी सबसे पहले हमें पैच बनाना है, तो सबसे पहले हम पात से इसका फुल पैच बना देंगे। परफेक्टली बनाना है आपने, थोड़ा अंदर से होगा तो चलेगा, ज़्यादा अंदर होना नहीं चाहिए। ये हमारा सिलेक्शन आ गया, इसे मैंने पैच कर दिया। अभी हम अंदर की डंडिया है उसे बनाएंगे, उसे भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। उसे भी मैंने डार्क कर दिया। अभी जो हमारे आजू बाजू के वो दिख रहे हैं हमें, उसे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपने परफेक्टली बनाना है। इसे भी हम डार्क कर देंगे, मतलब हम सिलेक्ट परफेक्टली कर पाएंगे। उसी तरह से मैं अभी इसके कलर बनाऊंगा। सबसे पहले लाइट ग्रीन है तो उसे मैं पैच कर दूंगा। अभी आपको ये जो अभी मैं स्प्रे मारूंगा, मतलब ग्रेडेशन टाइप का आता है स्प्रे, आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकोगे। तो उस तरह से आपने इसको स्प्रे मार लाएं। ओके फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से स्प्रे इसको कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपको स्प्रे दिख रहा है उसी जगह पे आपने स्प्रे करना है, उसी हिसाब से करना है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी ब्लू का स्प्रे बाकी है तो उसे भी मैं ब्लू को स्प्रे कर दूंगा। इस तरह से बी टूल से आपने स्प्रे करना है। फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट क्रिसा डिजिटल। ये मेरे सारे फिगर मैंने कंप्लीट कर लिए। अब इस फिगर को हम इस डिजाइन में सेट करेंगे पार्ट 2 में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।